हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो असाइनमेंट ईयर 2021 जो कोर्स कोड है MEC001/101 का माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का जो क्वेश्चंस नंबर वन का तीसरा पार्ट का सलूशन प्रेजेंट करेंगे कर रहे हैं। और इससे पहले मैं दो पार्ट का सलूशन प्रेजेंट कर चुका हूँ। और ये जो प्रॉफिट फंक्शन है ये सेकंड पार्ट से लिया गया है और रिएक्शन फंक्शन भी मैं सेकंड पार्ट से लिया हूँ। और थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चंस कहता है कि क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा फॉर्म वन फॉर्म टू का जब स्टैकल बर्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आउटपुट का लेवल होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सलूशन की तरफ। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म वन एंड टू है। ठीक है, तो फ्रॉम ये इक्वेशन वन मान लो रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म वन एंड इक्वेशन टू रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म टू। तो हाँ, फ्रॉम इक्वेशन वन से अब किस कंडीशन में हमको इक्विलिब्रियम आउटपुट लाना है, स्टैकल बर्ज इक्विलिब्रियम आउटपुट फॉर ईच फॉर्म जब फॉर्म टू इंटर द मार्केट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन को आप करो 2Q1+Q2=10। ठीक है, 10 है इक्वल टू 10 है। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है Q1 के लिए। तो 2Q1 10 माइनस क्यू टू, ये वाला क्यू टू उधर शिफ्ट हो गया, तो क्यू वन इक्वल टू 10/2 माइनस क्यू टू 2/2। तो देयर फोर 5 माइनस क्यू टू 2, ये आ गया हमारा क्यू वन इक्वल टू हमारा जो आया क्या आया 5 माइनस Q2/2। ये रिएक्शन फंक्शन हो गया फॉर्म वन का। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देते हैं फॉर्म वन। अब सिमिलरली हम रिएक्शन फंक्शन फॉर्म टू का निकालेगा, तो Q1+2Q2=10। ये फॉर्म क्या है, टू का है, तो सॉल्व किसके लिए करेंगे, Q2 के लिए। तो Q2 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2Q2 10 और ये चला जाएगा उधर माइनस Q1। तो therefore Q2=10/2 माइनस Q1/2। ठीक है, तो therefore Q2=5 माइनस Q1/2। ये रिएक्शन फंक्शन हो गया फॉर्म टू का, Q2=5 माइनस Q1/2 रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म। अब क्या होता है कि स्टैकल बर्ज जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है इसमें फॉर्म वन लीडर के रूप में होता है। अब जब वो लीडर के रूप में होगा तो क्या करेगा कि वो फॉर्म टू का रिएक्शन फंक्शन अपने प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेगा। तो कैसे करेगा, हम लिख देता है वो लैंग्वेज। ठीक है, फॉर्म वन बीइंग लीडर, स्टैकल वर्ग में एक लीडर होता है और उसी को फॉलो करता है अदर फॉर्म जिसका पोजीशन मजबूत होता है, ज्यादा मार्केट का शेयर होता है। फॉर्म वन बीइंग लीडर, तो सो इट विल the reaction function of form 2 into its own profit function, वो क्या करेगा, जो रिएक्शन फंक्शन है जो
ऑल ओवर जो फॉर्म होगा, यानी यहाँ फॉर्म टू है, लीडर तो वन है, तो उसका जो रिएक्शन फंक्शन है अपने प्रॉफिट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेगा ऐसे। पाई वन इक्वल टू 20, जो हमारा पाई वन मतलब है कि प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म वन, 20 क्यू वन माइनस 2 क्यू वन स्क्वायर माइनस 2 क्यू वन। अब ये क्यू टू जो है, तो ये रिएक्शन फंक्शन जो वैल्यू दिया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5 माइनस क्यू वन बाय 2। अब यहाँ देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, 20 क्यू वन माइनस 2 क्यू वन स्क्वायर माइनस 2 क्यू वन, सॉरी 5 टू जा 10 होगा, 5 टू जा 10 क्यू वन माइनस इंटू माइनस प्लस 2 क्यू वन स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ देख लो, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 टू जा 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 क्यू वन इंटू क्यू वन स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है, हाँ, ये माइनस 10 क्यू वन और 20 क्यू वन घटकर हो जाएगा 10 क्यू वन, पहला काम, माइनस 2 क्यू वन स्क्वायर, ये दोनों घटकर 10 क्यू वन हो गया, इसका काम हो गया प्लस 2 क्यू वन स्क्वायर बाय 2। एलसीएम हम ले लेते हैं 2, तो 2 एलसीएम हो गया, 20 क्यू वन माइनस 2 टू जा 4 क्यू वन स्क्वायर प्लस 2 क्यू वन स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज और आ गया, आप वो देखो, देखने की कोशिश कीजिए, 4 क्यू वन स्क्वायर और 2 क्यू वन स्क्वायर, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20 नीचे तो 2 ही रहेगा, ठीक है, 20 क्यू वन, ठीक है, उसके बाद ये घट कर हो जाएगा माइनस 2 क्यू वन स्क्वायर, ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 4 में 2 घट जाएगा, क्यू वन स्क्वायर तो है। तो फाइनल हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन अब तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, पाई वन इक्वल टू 20 क्यू वन माइनस 2 क्यू टू क्यू वन स्क्वायर बाई 2। अब इसको चेक करेंगे एफओसी अंडर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन अंडर अस्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, अस्टेकलबर्ग इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, डेल्टा पाई बाय डेल्टा क्यू वन इक्वल टू 0। पहला कंडीशन एफ ओ सी क्या होगा, इसको किसके रिस्पेक्ट में लेना है, क्यू वन के रिस्पेक्ट में लेना है, तो यहाँ तो हो जाएगा 20 माइनस 4 क्यू वन, 2 टू जा 4 क्यू वन होगा बाय 2 होगा इक्वल टू 0 होगा, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा उधर, तो बचा क्या, 20 माइनस 4 क्यू वन, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका आगे का काम करते हैं, हमको दोनों आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट दोनों फॉर्म का निकालना है, तो काम तो हो गया हमारा यहाँ तक, तो 20 माइनस 4 क्यू वन इक्वल टू 0, ठीक है, तो 20 को इधर उधर शिफ्ट कर देंगे, 4 क्यू वन इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर क्यू वन इक्वल टू 20 बाय 4, तो 5 आ गया। जैसे ही 5 आ गया, Q2 का वैल्यू तो हम रिएक्शन फंक्शन से निकाल सकते हैं, क्या है भाई, 5 माइनस क्यू वन बाय 2, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस क्यू वन का वैल्यू 5 है, अब फिर 2 से कर देंगे, तो 5 माइनस 2.5, इसको डिवाइड करोगे 5 का आधा है होता है भाई, 2.5 हो गया। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर अस्टेकलबर्ग, ठीक है, फॉर फॉर्म वन इक्वल टू 5, जो लीडर है उसका आउटपुट 5 यूनिट होगा, और जो फॉलोअर है, जो फॉलो कर रहा है लीडर को, यानी क्यू टू, दूसरा फॉर्म को 2.5 यूनिट होगा। ये तीसरा पार्ट का सलूशन है, ठीक है, और वेरी सून यू विल गेट रेस्ट फोर और फिफ्थ पार्ट का सलूशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।